आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में संचालित पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रों के हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक शपथ पत्र के साथ लेने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठन NSUI ने आज एक बार फिर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की है। आरोप है कि छात्रों से ब्लैंक चेक शपथ पत्र के साथ लिया जाता है और उन पर अनावश्यक दबाव बनाकर मनचाही फीस वसूली जाती है और इस तरह से कॉलेज प्रबंधन अपने छात्रों को ब्लैंक चेक व शपथ पत्र के माध्यम से बंधक बनाए रखता है, क्योंकि यदि छात्र मनचाहा पैसा नहीं देते तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज प्रशासन अपने पास गिरवी रखता है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की इस हरकत के कारण उनका भविष्य अंधकार में है और बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कहीं और वह कहीं शिक्षा नहीं ले सकते। छात्रों की आवाज को लेकर NSUI ने पेंटियम पॉइंट कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर आज एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है और अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती तो छात्र संगठन कॉलेज के विरोध में सड़क पर उतर आएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सभी छात्र यहाँ पर पेंटियम पॉइंट कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए कुलपति जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की आड़ में एक दलाली का अड्डा चलाया जा रहा है, जिसकी हमारी ये मांग है कुलपति जी से कि उसको बंद किया जाए एवं वहाँ की मान्यता रद्द की जाए और जो भी निजी महाविद्यालय इस तरह के हैं उन सभी की मान्यता रद्द की जाए, अन्यथा सबके खिलाफ NSUI जंग लड़ेगी। शिकायत यह है कि वहाँ के छात्रों को ब्लैकमेल किया जाता है, वहाँ के छात्रों से एडवांस में ब्लैंक चेक लिया जाता है, स्टाम्प पे लिखाया जाता है कि ये चेक अगर बाउंस होगा तो हमारी गलती होगी, और जब वो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद मार्कशीट और TC देने में ये आनाकानी करते हैं और दबाव बनाते हैं कि आप फीस जमा करो। 28,000 रुपये की डिमांड है पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा जो इन छात्रों से की गई है, और ये छात्र स्कॉलरशिप के बेस में पढ़ाई करते हैं तो फिर फीस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो इसलिए हम आज कुलपति जी के पास आए कि ऐसे महाविद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। शुल्क बाद में उन्होंने भरा होगा, हमारे पास एक वीडियो था, मीडिया को हमने वीडियो दिया है, उसमें ब्लैंक चेक का भी जिक्र खुद संचालक ने किया है। तो कहना था कि जो छात्रवृत्ति की राशि आती है वो वापस लेने के लिए रहते हैं, क्योंकि बच्चे से। लेकिन अगर कहीं भी, एक तो शिक्षा के जगत में ये नहीं कि आप ब्लैंक चेक लें, ब्लैंक चेक लेते हैं तो आप उसमें पहले राशि भरिए छात्र के सामने, फिर आप एक लिखित दीजिए कि मैंने इतनी से राशि भरवाकर चेक लिया है, लेकिन ऐसा कॉलेज की तरफ से छात्र को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता। इसलिए भी नहीं भरवाई जाती क्योंकि शासन द्वारा कभी कभार जो छात्रवृत्ति आती है वो कभी कभार ऊपर नीचे भी हो जाती है। ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन छात्र के ऊपर ये जब पूरी छात्रवृत्ति जमा करने के बाद ये दबाव बनाया जा रहा है कि अब आप 28,000 रुपए लाओ, ये कहाँ का नियम है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे TC है और ये मार्कशीट है 6th सेम की, ये नहीं दे रहे हैं। 19 तारीख लास्ट डेट है, बच्चे अदर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, इनका प्रवेश वहाँ से निरस्त हो रहा है। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो महाविद्यालय में NSUI तालाबंदी करेगी और सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आज किसके नाम ज्ञापन दिया? आज हमने कुलपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये कॉलेज कुलपति APS यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और यहाँ से इसकी मान्यता खत्म करने की हमने मांग की है।